2017 में इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का वर्थ 32 बिलियन डॉलर्स था और आज 2021 में उसका वर्थ 99 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। तो आप देख ही सकते हो कि गेमिंग इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो हो रही है। पर क्या आप जानते हैं कि इस गेमिंग की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहला गेम कौन सा था? नहीं पता? चलो तो मैं आपको बताती हूँ, तो तैयार हो जाओ। ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। सबसे पहले वीडियो गेम्स की शुरुआत 1950s और 1960s में हुई थी, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सिंपल गेम डिजाइन करना चालू किया था। सबसे पहली गेम जो मल्टीपल कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस पर प्ले होती थी वो थी स्पेस वॉर। ये गेम काफी बढ़िया थी, जहां एक स्पेसशिप को दूसरे स्पेसशिप को मारना था और वो भी स्टार्स के अराउंड घूमकर। 1960s के स्मॉल प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में ये एक काफी पॉपुलर गेम था। उसके बाद अर्ली 1970s में सबसे पहला होम वीडियो सिस्टम कंसोल रिलीज हुआ था, जिसका नाम था मैग्नावॉक्स ओडिसी। ये गेम राल्फ बेयर ने क्रिएट किया था, जिन्हें फादर ऑफ वीडियो गेम्स भी कहा जाता है। उसके बाद वीडियो गेम डेवलपर अतारी ने सबसे पहला आर्केड वीडियो गेम बनाया था, यानी कुछ इस तरह का वीडियो गेम। ये गेम था पोंग गेम, जिसका बाद में होम कंसोल वर्जन में रिलीज किया गया था। पोंग ये गेम काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था और बहुत से कंपनीज इस गेम के डुप्लीकेट्स बनाने का भी ट्राई कर रहे थे। फिर मिड 1970s में आर्केड वीडियो गेम्स की इतनी रैपिड ग्रोथ होने लगी थी कि पूछो ही मत, जिसमें कुछ फेमस गेम्स थे जैसे कि स्पेस इन्वेडर्स, एस्टेरॉइड्स, गैलेक्सियन और पैकमैन। पैकमैन गेम तो इतना पॉपुलर हो गया था कि उसके कई सीक्वल्स, मर्चेंडाइज और टीवी सीरीज भी आ चुके थे। पैकमैन ये गेम पूरे गेम इंडस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट गेम माना जाता है। उस समय आर्केड गेम्स के साथ साथ होम कंसोल मार्केट भी बहुत फ्लरिश हो चुका था। लेकिन फिर 1983 में गेम मार्केट ने एक मेजर क्रैश एक्सपीरियंस किया था, पर जिसके बाद 1985 में निंटेंडो, जो कि एक वीडियो गेम डेवलपर है, उन्होंने यूएस में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम रिलीज किया था, जिसके अंडर हमारा फेवरेट सुपर मारियो गेम लॉन्च हुआ था और ये उनका बेस्ट सेलिंग गेम था। निंटेंडो के इस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से गेमिंग सेक्टर को बहुत हेल्प हुआ था। फिर लेट 1990s में इंटरनेट भी वाइडली स्प्रेड हो चुका था, जिसके चलते सारे वीडियो गेम्स भी अब ऑनलाइन हो चुके थे। उस समय सोनी प्लेस्टेशन इंट्रोड्यूस हुआ था और काफी फेमस भी हुआ था। इस सोनी प्लेस्टेशन को टक्कर देने के लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स लाइन लाकर कंसोल हार्डवेयर मार्केट में एंट्री की थी। और इन दोनों गेम्स की क्रेज कितनी थी ये तो आप जानते ही हो। गेमिंग इंडस्ट्री में पहले कुछ ही कंपनीज रूल कर रही थी, लेकिन अगर आज देखा जाए तो कुछ बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि एप्पल और गूगल ने भी अपने ऐप स्टोर से ह्यूज गेम सेल अर्निंग्स गेन किए हैं। समय के साथ साथ बहुत सारे गेम्स मार्केट में आ चुके हैं, जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी, GTA 5 एक्सेट्रा। और क्या आपको पता है कि माइनक्राफ्ट और GTA 5 ये दो गेम्स दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग गेम्स है, जहां GTA 5 की टोटल अर्निंग 6 बिलियन से भी ज्यादा है और मिलियंस ऑफ प्लेयर्स आज इनसे जुड़ चुके हैं। आज बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है और जिसके चलते शायद 2025 तक गेमिंग इंडस्ट्री करीब 300 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। जी हाँ, और इस गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट है इसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। क्या आप जानना चाहते हो गेमिंग का फ्यूचर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। टिल देन, बाय बाय।